नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर हवाई सेवा पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां लोगों को इस बात की उम्मीद थी कि पर्व त्योहार खत्म होते ही जो किराया है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन बता दें कि जो विमान का किराया है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। खासकर पटना से जितनी भी विमानें उड़ती हैं, चाहे वो मुंबई के लिए हो, दिल्ली के लिए हो, इन सभी के किराए में जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर यात्री काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अपनी परेशानी को सोशल मीडिया पर भी साझा कर रहे हैं। लगातार जितने भी यात्री हैं उनकी तरफ से ट्विटर पर ट्वीट करते हुए अलग अलग तरह की जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। कुछ यात्रियों का कहना है कि पेट्रोल डीजल की वजह से इस तरह से किराए में इजाफा हुआ है, तो वहीं कुछ यात्रियों ने ये भी कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक मनमर्जी है और मनमर्जी के तहत किराए को इस तरह से बढ़ाया जा रहा है। आपको पूरी जानकारी देते हैं कि आखिर अब पटना से मुंबई या फिर दिल्ली जाने के लिए आपको कितने रुपए चुकाने होंगे और आखिर क्यों ये परेशानी इस वक्त यात्रियों के सामने आ खड़ी हुई है। तो बता दें कि विमान किराया महंगा होने से पटना के हवाई यात्री परेशान हैं। होली के एक पखवाड़े बाद पटना से अन्य शहरों का विमान का किराया डिमांड घटने की वजह से सस्ता हो जाता था, लेकिन इस बार स्थिति दूसरी है। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम में हो रही बढ़ोतरी की वजह से विमान किराया सातवें आसमान पर है। यात्री इसे विमानन कंपनियों की मनमर्जी बता रहे हैं और किराए पर लगाम लगाने की अपील भी कर रहे हैं। कई यात्रियों ने ट्विटर पर प्रतिक्रिया भी दी है। कई यात्री इसे कोरोना काल में हुए घाटे की भरपाई कह रहे हैं, तो कई इसे मनमर्जी बता रहे हैं। हवाई यात्रा विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल डीजल में बढ़े खर्च की वजह से किराए में कमी नहीं की गई है। संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए कंपनियों ने डिमांड कम होने के बावजूद किराया कम नहीं किया है। बता दें कि 5 अप्रैल से 18 अप्रैल तक पटना से मुंबई का किराया 7500 के आसपास है। लगभग सभी विमानन कंपनियों का यही हाल है। 19 अप्रैल से इस रूट पर किराया थोड़ा सस्ता होगा, इस बात की उम्मीद है। 20 अप्रैल को पटना से मुंबई के लिए 6000 में टिकट मिलेगा। सामान्य दिनों में 5000 में टिकट मिल जाते हैं। इसके साथ ही बता दें कि पटना बैंगलोर रूट पर सामान्य दिनों में किराया 4500 से 5000 के बीच रहता था, लेकिन अभी पटना एक हफ्ते तक विमान का किराया 8300 के आसपास रहेगा। एक हफ्ते के बाद 6200 में टिकट उपलब्ध हो सकेंगे, इस बात की उम्मीद है। इसके साथ ही सामान्य दिनों से इस रूट पर दोगुना किराया होने से लोग परेशान हैं। होली के बाद इस रूट पर किराया सामान्य यानी कि 4000 के आसपास हो जाता था। पटना पुणे, पटना कोलकाता और पटना रांची रूट पर भी किराए की महंगाई का असर दिख रहा है। इसके साथ ही पटना से दिल्ली का किराया अगले एक पखवाड़े तक 5500 के आसपास है। यात्री की तिथि एक हफ्ते पहले टिकट खरीदने पर दिल्ली का किराया जो है वो 3000 के आसपास चुकाना पड़ा था, लेकिन इस बार स्थिति उलट है। 23 अप्रैल के बाद विमानों के किराए में आंशिक राहत है, हालांकि तब भी टिकट 4000 से अधिक दाम पर मिल रहा है। यानी कि किराए कम होने की जो उम्मीद है वो है, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, इसका असर अब हवाई सेवा पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पटना से अगर आप कोलकाता जाते हैं, पुणे जाते हैं, बैंगलोर, मुंबई या दिल्ली, इन सभी रूट के जो किराए हैं उसमें बढ़ोतरी हो गई है, जिसकी वजह से यात्री भी काफी ज्यादा परेशान है और लगातार ट्विटर पर इस बात की अपील भी कर रहे हैं कि किराए को थोड़ा कम किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। लेकिन इस वक्त राहत मिलने के जो आसार हैं वो कहीं से भी नजर नहीं आ रहे और अगले 1 से 2 हफ्ते तक किराए ऐसे ही बढ़े रहेंगे। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।